Hey, I'm Akhil. I'm a motivational speaker, blogger and a business coach. दोस्तों आज का टॉपिक थोड़ा सा अलग है. आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ सोशल मीडिया के बारे में और स्मार्ट डिवाइसेस के बारे में. हाँ दोस्तों, ये वो डिवाइसेस हैं जिन्होंने आपकी जिंदगी का बहुत सारा कीमती वक्त खा लिया है. आज सभी लोग जानते तो हैं कि इन डिवाइसेस की वजह से उनका बहुत सारा वक्त बर्बाद हो रहा है, पर वो हेल्पलेस है, वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं. अगर आप अपने वक्त को सही इस्तेमाल करना चाहते हैं और कुछ तरक्की करना चाहते हैं जिंदगी में, तो इस वीडियो को जरूर देखिए पूरा. मैंने पिछले 2 महीने से स्मार्ट डिवाइसेस का इस्तेमाल बहुत हद तक रेस्ट्रिक्ट कर दिया है. सोशल मीडिया 2 महीने से सोशल मीडिया को मैंने बहुत लिमिटेड वे में इस्तेमाल किया है. एंड यकीन मानिए दोस्तों, मुझे इससे बहुत ज्यादा फायदा हुआ है. आप मानेंगे नहीं, दिन में 150 बार, 200 बार, कई लोग इससे भी ज्यादा बार सोशल मीडिया पे अपने आप को एंगेज रखते हैं, जिसकी वजह से वो लगातार डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं और वो किसी भी काम को पूरी तरह से पूरी शिद्दत के साथ नहीं कर पाते. इन डिवाइसेस ने बहुत नुकसान पहुंचाया है लोगों को, पर इसको रियलाइज करना बहुत जरूरी है. जब से मैंने सोशल मीडिया को इस्तेमाल करने में कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाए हैं, तब से मुझे बहुत सारे फायदे हुए. आज मैं आपको 4 वो चीजें बताऊंगा जिससे आपकी आंखें खुल जाएंगी. नंबर 1, फोकस. दोस्तों, आपका फोकस बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी तरक्की के लिए. अगर आप किसी भी काम को फोकस्ड होकर नहीं कर सकते, तो आप उस काम को ठीक से नहीं कर पाएंगे. सबसे पहला फायदा जो स्मार्ट डिवाइसेस को रेस्ट्रिक्ट करने से आपको मिलेगा, वो है आपका फोकस बढ़ जाएगा किसी भी काम के लिए. अगर आप कोई काम कर रहे हैं और आप बार बार अपना स्मार्ट डिवाइस चेक करते हैं कि कोई मैसेज तो नहीं आया, कोई मैसेज तो नहीं आया, कोई नोटिफिकेशन तो नहीं आया, बार बार आप चेक करते हैं, इससे क्या होता है, इससे आप अपने काम से डिस्ट्रैक्ट होते रहते हैं. और जब भी कोई काम आप पूरे मन से कर रहे थे और सडनली कोई मैसेज आता है, आप उसको चेक करने लगते हैं और आप भूल जाते हैं कि आप क्या कर रहे थे. जब आप वापस आते हैं अपने काम पे, तो फिर वो एनर्जी लेवल, वो कंसंट्रेशन, वो फोकस नहीं रहता. नतीजा काम में गिरावट आ जाती है और आपको पता भी नहीं चलता. देयर इज अ साइकोलॉजिकल रीजन व्हाई यू वांट टू चेक योर स्मार्ट डिवाइस अगेन एंड अगेन. आप बार बार अपनी स्मार्ट डिवाइसेस को चेक करते हैं बिकॉज आपको लगता है कि कोई मैसेज तो नहीं आया, कोई मैसेज मिस तो नहीं हो गया, जो मैंने पोस्ट डाली थी उस पर कोई कमेंट आई या नहीं, उस पर कितने लाइक्स आए. एक तरह की एंग्जाइटी क्रिएट हो जाती है आप बार बार अपनी स्मार्ट डिवाइस को चेक करते हैं, और इससे आपका फोकस चला जाता है. हर बार जब आप स्मार्ट डिवाइस को चेक करते हैं, आपका फोकस चला जाता है. नंबर 2, प्रोडक्टिविटी. स्मार्ट डिवाइसेस और सोशल मीडिया कंटिन्यूसली आपकी प्रोडक्टिविटी को हैम्पर कर रहे हैं, आपकी प्रोडक्टिविटी का लॉस हो रहा है. वो कैसे? जो काम 1 घंटे में हो सकता था, उसको करने में आपको 1 घंटे से ज्यादा टाइम लग रहा है बिकॉज आप बार बार डिस्ट्रैक्ट होते हैं और आप अपनी स्मार्ट डिवाइस चेक करते हैं कोई मैसेज चेक करने के लिए, या फिर कोई पोस्ट चेक करने के लिए, या कोई भी इंटरेस्टिंग कंटेंट. और सोशल मीडिया इसको पूरी तरह से इस्तेमाल करता है. फेसबुक पे आपने देखा होगा कितनी तरह के अलग अलग इमोशनल कंटेंट सर्कुलेट होते रहते हैं, जो आपने देखने के लिए इंटेंशन नहीं दिखाया, पर फिर भी वो आता रहता है. ऐसी कई सारी फीड्स आती हैं जिनको देखने में आपने कोई रुचि नहीं दिखाई, पर फिर भी वो आपके फेसबुक पे आता है. नतीजा आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और आपकी प्रोडक्टिविटी लॉस होती चली जाती है. नंबर 3, रिलेशनशिप्स. जेंटलमैन, अगर आप स्मार्ट डिवाइसेस को ज्यादा स्मार्टली हैंडल करें और सोशल मीडिया को स्मार्टली यूज कर सकें, ना कि उसके द्वारा यूज हो जाएं, तो आप अपने रिलेशनशिप में बहुत तरक्की कर सकते हैं. अपनी वाइफ, अपने हस्बैंड, अपने बच्चों को ज्यादा टाइम दे सकते हैं, अपने माँ बाप को, अपने भाई बहनों को, दोस्तों को, कलीग्स को आप ज्यादा टाइम दे पाएंगे. पुराने जमाने में क्या होता था, जब कोई सोशल मीडिया नहीं था, तब लोग ज्यादा सोशली कनेक्टेड थे. सोशल मीडिया ने आपका जो पूरा अटेंशन है वो खींच लिया है. अब आपकी पूरी एनर्जी चैनलाइज हो गई सोशल मीडिया की तरफ, और आपकी जो सोशल लाइफ है वो इससे हैम्पर हो रही है, अफेक्ट हो रही है. अगर आप अपने वक्त को सोशल मीडिया की जगह रियली
सोशलाइज करने में स्पेंड करेंगे तो आपके रिलेशनशिप डेफिनेटली बहुत स्ट्रांग होंगे. नंबर फोर, स्लीप. आपको पता होगा रात को सोने से पहले आप काफी देर तक सोशल मीडिया को चेक करते हैं, अपनी स्मार्ट डिवाइसेस को चेक करते हैं ये देखने के लिए कि कोई मैसेज तो नहीं आया, कोई चीज मिस तो नहीं हो गई पूरे दिन में. और रात को सोने से पहले रिसर्च बताते हैं कि अगर आप मोबाइल डिवाइसेस को इस्तेमाल करते हैं तो आपकी स्लीप इससे अफेक्ट होने वाली है, आपकी नींद इससे बहुत ज्यादा प्रभावित होती है. क्योंकि वो जो लाइट आपकी आंखों में जाता है वो आपकी नींद को स्थगित कर देता है और आपकी नींद डिस्टर्ब हो जाती है. दूसरा, आप कई ऐसे मैसेजेस पढ़ लेते हैं जिससे आपके दिमाग पे उसका एक गहरा असर रह जाता है और वो आपकी स्लीप को डेफिनेटली अफेक्ट करता है. अगर रात को सोने से एक घंटा पहले तक अगर आप किसी भी स्मार्ट डिवाइस को यूज ना करें तो चांसेस हैं कि आप ज्यादा अच्छी नींद ले पाएंगे. पिछले दो महीने से मैं ज्यादा बेहतर सो पा रहा हूँ बिकॉज मैंने अपने सोशल मीडिया और स्मार्ट डिवाइसेस के यूज को बहुत रिस्ट्रिक्ट कर दिया है. एक चीज याद रखिए, रात को सोने से एक घंटा पहले तक आप अपने स्मार्ट डिवाइस और सोशल मीडिया से दूर रहिए. दिन में वो टाइम डिसाइड कीजिए कब आप सोशल मीडिया को चेक करेंगे और दिन में 3 से 4 बार ज्यादा से ज्यादा आपको इसकी जरूरत है, इससे ज्यादा नहीं. मैं नहीं कहता कि आप इसको बिल्कुल बंद कर दें बिकॉज सोशली कनेक्ट रहने के लिए और इन्फॉर्म रहने के लिए आपका सोशल मीडिया को इस्तेमाल करना जरूरी है, पर सोशल मीडिया के द्वारा इस्तेमाल होना वो समझ से बाहर है. यू नीड टू डिसाइड वेदर यू वॉन्ट टू यूटिलाइज सोशल मीडिया और यू वॉन्ट टू बी यूटिलाइज बाय सोशल मीडिया. इन दोनों में बहुत फर्क है, आप सोशल मीडिया को यूज करते हैं या सोशल मीडिया आपको यूज कर रहा है. अगर आपका कोई सोशल प्रोफाइल आप बिल्डअप करना चाहते हैं जिससे आपके बिजनेस में या आपके जॉब में कोई फायदा मिलता है तो डेफिनेटली कीजिए, पर सोशल मीडिया के द्वारा यूज मत हो जाइए. फेसबुक को यूज कीजिए, अपना एक फेसबुक लैंडिंग पेज आप बना सकते हैं जिससे आप अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं, अपने जॉब में आप अपनी प्रोफाइल को बिल्डअप कर सकते हैं, अपनी पर्सनैलिटी आप लोगों को शो कर सकते हैं. पर फेसबुक पे आने वाली अनजानी फीड्स को लगातार देखते रहना और उसमें अपने वक्त को बर्बाद करना मूर्खता है. सो बी प्रूडेंट, बी इंटेलिजेंट एंड स्मार्टली यूज योर स्मार्ट डिवाइसेस. सोशल मीडिया पे इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, पिंटरेस्ट और लिंक्डइन जैसे प्लेटफॉर्म्स को इस्तेमाल कीजिए, इनके द्वारा इस्तेमाल मत होइए. और एक और चीज समझ लीजिए, इन सब चीजों के बजाय YouTube पे जाइए. YouTube पे बहुत अच्छे वीडियोस अवेलेबल हैं जहां पे आप अपनी मर्जी से कंटेंट को सिलेक्ट कर सकते हैं, अच्छे अच्छे वीडियोस देख सकते हैं. Facebook आपको वो स्वतंत्रता नहीं देता, वहां पे जो फीड आते हैं वही आपको देखने हैं. YouTube पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं, आप डिसाइडर हैं, आप तय कर सकते हैं आपको क्या देखना है. सो YouTube पे जाइए, अच्छे अच्छे वीडियोस देखिए. गिव मी अ थम्स अप फॉर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. विजिट माय वेबसाइट www.akhilmantra.com to read very good blog posts to stay motivated and inspired.